हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब कैसे रहे हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे यूट्यूब पे नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कि RRB ग्रुप डी का रिजल्ट अभी जो इन 6 बजे आने वाली थी वो आंसर की रिलीज कर चुकी है। जो रिजल्ट आने वाला था वो दोबारा आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज आंसर की जो ये तो बोल रहे थे 10 मार्च को 6 बजे तक आएगा, लेकिन इन्होंने अभी भी अभी से डाल दी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको अभी अपडेट दिखा देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब करते ना हुए क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा फिर आपका भी। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आर आर बी पटना की साइट के ऊपर आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पे क्लियरली देखना है, RRB पटना की साइट के ऊपर जाना है। जो भी जिस जोन से भी आप हो वो आपको जाना है, और जो अपने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था उसके CN02/2018 पे अपन को जाना है। ठीक है, देखिए अपन CN02/2018 पे यहाँ पे आएंगे। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, ये पहले वाली इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे CN02/2018 है, और यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट दे रखा है उसको आपको कंसी, क्योंकि ये अभी अभी अपडेट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये RRB पटना की साइड में है, लेकिन आप जिस जोन से भी वहाँ जाके देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। देखिए इसके ऊपर अपन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया विंडो को ओपन होगा। अभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ये ओपन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक रिजल्ट खोल के बता देता हूँ। देखिए जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे ओपन करेंगे ना, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे एक तो ये आएगा शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET आएगा, और एक कैंडिडेट रिस्पॉन्स आएगा। ये जो नया लिंक है यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे जो आपको आपको शो दे देगा कितने मार्क्स आपने, कितने क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन राइट किए, वो आपको सब कुछ शो कर देगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ एक बार। जैसे मैंने क्लिक, देखिए कुछ इस प्रकार शो होगा आपके पास। यहाँ पे देखिए टोटल अटैम्प्ट कितने किए इन्होंने, 77 अटैम्प्ट किए। यहाँ पे टोटल करेक्ट कितने किए, 54 सही किए उनमें से, और टोटल रॉन्ग कितने किए, 23 रॉन्ग किए, और टोटल नंबर ऑफ इग्नोर ही 2 क्वेश्चन जो इग्नोर कर दिए गए हैं सभी, मतलब इस शिफ्ट के सभी क्वेश्चन पेपर से। टोटल वैलिड क्वेश्चन कितने को 98 हो गए, और रो मार्क्स आउट ऑफ द टोटल वैलिड क्वेश्चन हो गया 46.33 इसके नंबर आ रहे हैं। प्रो रेटेड मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 में से कितने हो गए, 47.27 आ गए। नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए 50.1 हो गए, और ये शॉर्ट लिस्टेड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सारी अपडेट्स मैंने दे दी है यहाँ पे, जो भी इन्होंने बोला था वैसे उसके द्वारा जारी कर दिया गया। नॉर्मलाइज मार्क्स कितने होंगे सब कुछ यहाँ पे अपडेट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको फटाफट शेयर कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट देख सके, नहीं फिर ट्रैफिक आ सकता है साइट के ऊपर, फिर कोई देख नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको एक वक्त लग सकता है इस चीज़ के लिए। आपने मुझे कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लाइक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।